हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम। क्लियर है? इसके प्रीवियस जो वीडियो सेशन है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, कुछ हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी थी बेसिक, और उसके अलावा हमने क्या कर लिया था, हमने किसी भी इरेशनल नंबर को हाउ टू रिप्रेजेंट दैट ऑन अ नंबर लाइन, ये सीखा था हमने। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो बेसिक्स अगर हमारे क्लियर है तो बहुत आसान है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या एक्चुअली। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का है वो है ट्रू फॉल्स टाइप, और हमको जस्टिफाई करके इसका जवाब देना है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्लियर है? चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट हमारा है वो क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये सही है कि गलत है? तो क्या है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो क्या होता है, रियल नंबर भी होता है। डेफिनेशन में हम लिख चुके हैं। सो रीजन क्या लिखेंगे हम, एवरी रैशनल नंबर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, इसलिए उसको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो सेकेंड पॉइंट है इसमें वो क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, देखते क्या कहता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है खूब सारे मल्टीपल पॉइंट जो भी है, हर पॉइंट जो होता है वो रूट एम के फॉर्म में है, और एम हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सही है कि गलत है, उसको जांचने के लिए पहले हम ये छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। चलिए, हमारे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, एम हमारा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, ये हमारा एम है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सीक्वेंस में सारे ले लिए 1, 2, 3, 4। अब इनको हमको रूट में रखना है, तो रूट में सब में रखेंगे, तो रूट वन का मतलब वन ही होता है, वन वन जा करेंगे, दो बार लिख लो चाहे तो 12 आ जाएगा। ओके, रूट टू बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसको अगर मैं डेसिमल में करूं तो ये आता है 1.414, 3 डिजिट तक आगे चलता जाएगा, हमने 3 डेसिमल तक लिखा है। इसी प्रकार से रूट थ्री जो है उसका डेसिमल करें 1.732 आता है, रूट फोर का करें तो डेसिमल इसका क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा, 2 2 लिख सकते हैं, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने चारों जो शुरू के नंबर है उनके मैंने क्या लिख लिए, ये लिख लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है कि नहीं? ओके, अब मैंने लगातार लिए 1 2 3 4, तो अब जो रूट वन है सपोज, अगर हमारा ये है वन है तो वन का रूट यही पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो क्या है रूट फोर, ये कहीं ना कहीं यहां आएगा, सपोज रूट फोर दैट इज क्या है 2, तो इसके बीच में ये क्या कह रहा है, जितने भी नंबर है हमारे वो सारे इसी फॉर्म में है, तो मतलब ये हर पॉइंट जो होता है, हर पॉइंट ये सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर लिखे उसी रूप में होगा, तो ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो दीज आर नॉट ओनली द नंबर बिटवीन रूट वन एंड रूट फाइव, तो कहने का मतलब रूट वन और रूट फोर के बीच में सिर्फ क्या ये 4 ही पॉइंट आएंगे, मतलब रूट वन और रूट फोर तक सिर्फ 4 ही पॉइंट आएंगे, तो रूट वन से लेकर रूट फोर ये 2 है। अब मुझे बताओ इस लेंथ में हम कितने पॉइंट लगा सकते, 4 पॉइंट लगेंगे क्या, अनगिनत पॉइंट लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी के बीच में एक और, 1 और 2 के बीच में एक और नंबर होगा 1.5, इसके बीच में आता है 1.5, को हम कैसे ले सकते हैं 3/2 पॉइंट्स में 1.5। तो देखिए अब ये 3.2, अब 3.2 जो होता है क्या, कोई भी रूट के अंदर हम नेचुरल नंबर लिख के 1.5 नहीं ला, समझ आया कि नहीं? तो मतलब इन दो बिंदुओं के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर भी होंगे जिनका रूट अगर हम निकालें तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, समझ आ गया? सो दीज आर नॉट ओनली द नंबर बिटवीन रूट वन एंड रूट फोर, तो इसके मुताबिक क्या रूट वन और रूट फोर के बीच में सिर्फ और सिर्फ, या रूट वन से रूट फोर तक सिर्फ 4 ही पॉइंट होंगे, जबकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो रूट वन और रूट फोर मीनिंग 2 के बीच में आएंगे, बट वो क्या नहीं होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, दीज आर नॉट ओनली द नंबर बिटवीन रूट वन एंड रूट फोर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 1.5, 3.2, अब 3.2 यहां से लेकर यहां तक इसी के बीच में आ रहा है, बट ये इस रूप में नहीं, मतलब रूट के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर रखे तो 1.5 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, नहीं, और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो रूट एम के रूप में नहीं आते, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है, चलिए थर्ड हमारा क्या पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर लाइन है उसमें सारे इरेशनल ही हो सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि नंबर लाइन पे रैशनल भी आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ये क्या है हमारा, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर, ये देखिए ये हमारे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4। ठीक है कि नहीं का, ये सारे के सारे रियल नंबर है कि नहीं है, रियल नंबर है, बट ये रियल नंबर होने के अलावा इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो रियल है, रियल है मतलब नंबर लाइन पे आ गया, तो वो इरेशनल ही होता है, गलत है।
बहुत सारे नंबर ऐसे हैं रियल नंबर जो कि इरेशनल नहीं है। तो देखो ये सारे सारे रियल हैं, तो ये कह रहा है कि ये सारे इरेशनल भी हैं, गलत है, ये इरेशनल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? सो हम लिख देंगे ऑल नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर की लिस्ट है वो सारे सारे क्या है, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्या? चलिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल था, ठीक है। तो हम रीजन के साथ इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, जीरो के आगे जो है गिनती प्लस के नंबर खाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर थे यदि हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लें, ये हमारे नंबर है 1, 2, 3, 4, आगे से और भी ले सकते हैं, इनका सबका स्क्वायर रूट निकाले, जो नतीजा आएगा कह रहा है कि क्या ये हमेशा इरेशनल ही होगा क्या? तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर ले लिए, इन सबका रूट निकाल लिया। रूट निकाल लिया तो देखो 1 बाहर आ जाएगा, इसको 1 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 2 बाहर नहीं आ पाएगा तो मैंने इसको रूट में ही लिख दिया। रूट 3 भी बाहर नहीं आ पाएगा, इसको रूट में ही लिख दिया। और रूट 4 का मतलब है रूट में 2 × 2, तो ये क्या आ गया, अकेला 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास 4 चीज आ गई। अब मुझे बताओ कोई भी चीज अगर रूट के बाहर निकल गई है रैशनल हो गया, ठीक है, और अगर रूट के अंदर ही पड़ी है बाहर नहीं निकल पाई तो वो हो जाएगा इरेशनल। तो देखो ये क्या है, रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको सिर्फ इरेशनल मिलेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमको देखो मिक्स मिल रहा है ना, रैशनल भी है कुछ और इरेशनल भी है। तो हमारा जवाब क्या आएगा इसमें, नहीं, नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से हमने रूट निकाल लिया तो कुछ इरेशनल मिला, कुछ इरेशनल। क्वेश्चन था क्या रैशनल ही होंगे, नहीं, नो, ठीक। अब क्या, अब कह रहा है कि यदि आपका जवाब नहीं है, इफ नॉट, तो हाँ ठीक है नो है, तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का कि स्क्वायर रूट निकालने पे क्या आ जाए, वो नंबर जो है रैशनल आ जाए। तो पहले तो पूछा था कि इरेशनल होगा क्या, हमने बोला नहीं, तो मतलब रैशनल भी हो सकता है। तो बताओ कि रैशनल एग्जांपल क्या है कि रूट के अंदर हम लिख दें नंबर प्लस का और रैशनल आ जाए। तो देखो ये एग्जांपल पूछ रहा है। अब इन नंबर पे गौर करें, रूट 1 फिर क्या है उसका लगातार क्या है, रूट 4 नेक्स्ट, उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा। तो एक्चुअल में ये नंबर जो रैशनल बनेंगे कौन से होंगे उसकी लिस्ट हम बना सकते हैं। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए 1 का स्क्वायर पहला नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 = 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 3 = 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 = 16, 5, 5 = 25। तो अगर मैं इन सबको रूट में रख दूंगा तो रूट 1 बाहर आ गया 1, रूट 4 बाहर क्या जाएगा 2, रूट 9 बाहर क्या जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से इसका क्या आएगा बाहर, रूट 16 का 4 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 5। तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है, तो कह रहे कि एक एग्जांपल दे दो, तो एक हमने खूब सारे एग्जांपल दे दिए, समझ आएगा कि नहीं क्या। अगला क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 7 का 49, फिर 8 का 64, 9 का 99 का 81, 100, खूब सारे लगातार। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं अगर उनको हम रूट में रख देंगे, मतलब क्या है रूट के अंदर कोई भी क्या आ गया, अगर क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, तो जो ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। लाइन ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी, मैंने रूट 2 कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वो समझाया था, रूट 3 समझाया था, और रूट 5, रूट 5 कैसे बताया था मैंने कि डायरेक्ट एक नंबर लाइन बना लेंगे, ये 0 है, 0 के बाद में एक 1 है और एक क्या है 2 है, तो 2 से स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। वहां तो रूट 2 रूट 3 का भी किया था हमने, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे, ठीक है, और फिर जितना ये 1 लेंथ होता है उसी के बराबर ऊपर कट कर रहा है, तो इसको कंपास से नाप लेंगे सिर्फ इतना था, इतना था, ठीक है। तो एक एक ही ले सकते हैं नोड ऊपर, ठीक है, इसके बराबर यहां से कट कर लेंगे ऊपर हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो गई 1, ये कितनी हो गई 2 हो गई, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फिर हम इसको अगर हम जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये जो चीज हो जाती है क्या हो जाती है, रूट 5 हो जाता है। मैंने एक्सप्लेन किया था क्या, अगर हम ऐसा राइट ट्रायंगल ले लें इसमें वर्टिकल वाली चीज तो 1 है और नीचे वाली चीज 2 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस विल बी 1, दिस विल बी 4, सो इट विल बिकम 5, और हाइपोटेन्यूज कितना जाएगा रूट 5, ये कितना हो गया रूट 5। और फिर यहां से हम कंपास का पॉइंट रखे, यहां पेंसिल रखे, और हम क्या कर देंगे गोलाई में आर्क लगा लेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेंगे डायरेक्ट, हाँ रूट 2 रूट 3 को शो करने की जरूरत है, सिंपल डायग्राम, ठीक है। तो ये पहले हमने समझ लिया था, वहां एक बार और अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, ठीक है।
और इस एक्सरसाइज का फाइनली हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक छोटी सी क्लासरूम एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है ये? एग्जामिनेशन पर्पज के लिए नहीं है लेकिन फिर भी चलो हम कर लेते हैं इसको। क्या है ये? टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर रूट स्पाइरल, एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। ये हम कहां से बनाएंगे? रूट टू लेंथ भी इसमें आ जाएगी, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव सिक्वेंस में आता जाएगा। तो क्या इसका तरीका है वो हम देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? चलिए मैं रब कर देता हूं। चलिए इस मेथड में क्या करना है, हमको एक गिवन कोई भी लेंथ, ये आइडिया या मन से कुछ मान लेंगे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर सपोज ले सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या नीचे एक लाइन सेगमेंट खींच दिया, इसको नाम दे दिया सपोज ओ ए। ये सपोज हमारी लेंथ 1 मान लेंगे, ज्यादा खींच लेंगे स्केल से कुछ भी, बट इसको मान लेंगे, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की खींच लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? लंबाई हम 1 मान लेंगे, ठीक है? कंपास और पेंसिल साथ रखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, 90 डिग्री का लाइन, जाने दो जाने दो जाने दो, ऊपर तक जाने दो, ठीक है? ये कितना है लाइन? 90 डिग्री। चाहो तो डी से बना लो या ऐसे कंपास से कट कर बना लो, चले गई ये लाइन, ठीक है? अब जितना ये है ना लेंथ, इतना मेजर कर लेंगे कंपास से और ए से स्टार्ट करके उतना यहाँ पे कट कर देंगे, इसके बराबर ही लेंथ ये वाले कट करनी है। तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 ही होगा। नेक्स्ट सीक्वेंस इसको नाम लिख देंगे बी, बी लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो हम देख चुके हैं अगर ये 1 होता है, ये 1 होता है तो ये कितना होता है? रूट 2 होता है। पाथोरस लगाया था ना हमने, याद आ रहा होगा ऐसे, ये 1 है ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर 2 हो गया, रूट लग जाएगा तो हाइपोटेन्यूस लगेगा। ये क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब क्या करना है, अब जैसे हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया था, अब इन तीन में से हमने लास्ट में कौन सी लाइन खींची है? ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर वाली, ये हाइपोटेन्यूस वाली, ठीक है? अब इस नोटबुक को थोड़ा सा घुमा लेंगे और इस लाइन पे, लास्ट वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर बना लेंगे उसी प्रकार से जैसे मैंने बनाया था। तो ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री का होना चाहिए हमारा, ठीक है? ओके, अब अगेन कंपास से बिल्कुल फिक्स नाप के रखना है, 1 कितना होता है, जितना ये लेंथ है जितना ये लेंथ है। अब बी से स्टार्ट करेंगे नापना और इसको क्या कर लेंगे? बी से यहां पे आर्क लगा लेंगे, जितना ये है उतना ही बराबर यहां से यहां आर्क लगा लेंगे। तो ये हो गया सपोज हमारा यहां लग गया अभी आर्क, ये भी कितनी लंबाई है? बी से लेकर यहां तक ये सपोज नाम दे देंगे, ये नाम दे देंगे, ठीक है? और फिर इसको जोड़ लेंगे, ये चीज क्या आएगी? रूट थ्री, सिक्वेंस में आता जाएगा, रूट टू रूट थ्री। अब ये रूट थ्री कैसे निकला? देखो ये हमारा राइट ट्रायंगल है, कौन सा वाला? ये वाला 90 डिग्री, ये रहा, एक साइड 1 है दूसरी साइड है रूट टू। हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो दिस इज 1 दिस इज 2, और हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो ये आ गया रूट में 3। क्लियर है? अब क्या करना है, अब इस ट्रायंगल में लास्ट हमने कौन सी लाइन सेगमेंट खींची है? सीओ। अब क्या करेंगे, इस सीओ पे फिर नोट को घुमा लेंगे, इसको सीधा ऐसे ले आओ, ठीक है? और इस सीओ को पे एक और हम क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर बना दिया, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री आ गया, ठीक? आगे जा रहा है, इस पे एरो लगा सकते हो चाहो तो, जहां भी जा रहा है, ठीक है? ओके जी, फिर अगेन कंपास पेंसिल से ए से बी तक की जितनी दूरी 1 उतना ही नाप लेंगे और सी पे कंपास का पॉइंटर रख के हम एक आर्क लगा देंगे बिल्कुल इसी लंबाई के बराबर इधर, लेट इट बी पॉइंट डी, और फिर हम क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। ये जो चीज बनेगी ये क्या बनेगी? रूट में 4, और रूट 4 कितना होता है? 2 ही होता है, ठीक है? तो हम रूट लगा देते हैं लाइन के लिए, तो ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। ये रूट 4 कैसे आया चेक कर सकते हैं, ये देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा 1 ही है ये वाला, और ये जो बेस है ये कितना है? रूट 3। सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो दिस इज 1 दिस इज 3 बोथ कलेक्टिवली मेक 4, और यहाँ रूट लग जाएगा तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, तो रूट 4 हम 2 भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम रूट 4 लिख रहे हैं, ठीक है? इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे मेथड, आगे बनता जाएगा। एक और बना के दिखा देता हूं, आप 6 या 7 तक बना लीजिएगा घर पे, ठीक है? चलो अब लास्ट लाइन कौन सी है? ये वाली हाइपोटेन्यूस। इससे हम एक और क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है? 90 डिग्री हो गया। फिर क्या करेंगे बताओ, ये 1 के बराबर ही डी से आगे फिर कट कर लेंगे, सपोज कट कर लिया, नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस में लेटर है ई नाम दे देंगे, ठीक है? अब ये भी कितना है लेंथ? 1। तो बाहर वाली सारी जो है ना स्पाइरल में लेंथ 1 बनी आएगी, इसको जोड़ देंगे, अभी क्या बनेगा बताइए जरा? ये बनेगा रूट 5, ठीक है? इसको कैसे टैली करेंगे, चलिए देखते हैं। ये राइट ट्रायंगल रहा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के एक तरफ की तो क्या है हमेशा 1 ही है, और नीचे वाली क्या है हमारी, देखिए रूट 4, रूट 4 हमको निकालना है। हाइपोटेन्यूस क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस
रूट फोर का स्क्वायर, ये वन, रूट फोर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा फाइव, और एच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट फाइव, तो ये आ गया जी रूट फाइव। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अगला हमने एक और परपेंडिकुलर बना दिया हमने, ये लीजिए ये लीजिए, इसमें से फिर वन कट कर लेंगे, ये आ गया वन, ये हो गया एफ, जोड़ा क्या मिलेगा दिस विल बी रूट सिक्स, आगे फॉलो करेंगे रूट सेवन रूट एट, तो आप सिक्स सेवन तक आप बना लीजिए तो एक स्पाइरल बनते जाएगा। देखिए ये लाइन बीच वाली बड़ी 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 आती जाती है, छोटी सी एक्टिविटी है, सिंपल सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बना के जरूर देखेंगे सब लोग अपनी नोटबुक में। सो दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.2, इज इट क्लियर, थैंक यू।